ठीक है। अभी क्या है, हम लोग क्या लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था, है ना? लास्ट टाइम हमने पढ़ा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी के दो चार और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, ठीक है? उसके बाद अगली टाइप चालू हो जाएगी। पहले देख लेते हैं उसी टाइप का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स ओनली था, है ना? So, ये ऐसा भी हो सकता है डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, वेयर पी एंड क्यू विल बी द फंक्शन ऑफ वाई ओनली। ठीक है, उसी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखो आप, इसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं बन सकता, इसमें डी वाई बाई डी एक्स करके पी एक्स इक्वल टू क्यू फॉर्म में नहीं बन पा रहा है, ठीक है ना? तो अपन ने क्या किया है, इसको डी एक्स बाई डी वाई में कन्वर्ट करने की कोशिश करी है। तो क्या करा, डी एक्स बाई डी वाई से पूरे में मल्टीप्लाई। सो आप देखेंगे डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स इंटू वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ई रेस टू टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक? सो देखो आप क्या हो गया, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर द फंक्शन ऑफ वाई ओनली, ठीक है ना? पहले वाले में सिंपल में क्या पढ़ा था हमने, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू पढ़ा था, है ना? वेयर पी एंड क्यू आर द फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। सो ये दोनों बहुत ही खतरनाक है, ठीक है? रिवर्स में भी घूम सकता है। सो डी एक्स बाई डी वाई हुआ तो पी और क्यू को वाई का फंक्शन होना चाहिए और पी का मल्टीपल एक्स होना चाहिए। सो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ई रेस टू इंटीग्रेशन वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई होगा। वहां क्या था, डी एक्स था, ये एक्स का फंक्शन था, तो वहां क्या था, डी एक्स। यहाँ किसका है, y का फंक्शन है, तो क्या हो गया, dy। समझ में आया? तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, e रेस टू टेन इनवर्स y। सॉल्यूशन क्या होगा, वहां पे क्या था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर था, यहाँ क्या होगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट? और उसका इंटीग्रेशन कर दो और सॉल्व कर दो। जैसे आप सॉल्व कर देंगे, यू विल गेट योर रिजल्टेंट, ठीक है ना? अगला देखते हैं जी, एक्स प्लस टू वाई क्यूब इक्वल इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू फॉर्म नहीं बन पाई। तो फिर हमने क्या करा, डी एक्स बाई डी वाई बनाया। डी एक्स बाई डी वाई में क्या करा है, देखो आप इसको y को इधर भेजा, dx by dy को उधर भेजा, ठीक है ना? सो x अपॉन y 2y स्क्वायर हो गया। सो dx अपॉन dy इसको लेफ्ट साइड में मूव किया x अपॉन y को, सो माइनस वन अपॉन y इंटू एक्स 2y स्क्वायर। ये सेम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई ना, जो ऊपर अभी समझाया आपको, सेम बन गई। क्या बन गई, dx अपॉन dy माइनस पी एक्स इक्वल टू क्यू, पी एंड क्यू आर द फंक्शन ऑफ वाई ओनली, पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ वाई ओनली, ठीक है ना? सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, ई रेस टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सॉरी ई रेस टू पी, पी कितना है, वन अपॉन वाई डी वाई, सो ई रेस टू माइनस लॉग वाई, e रेस टू माइनस लॉग वाई मतलब वन अपॉन वाई। सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं, एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू का इंटीग्रेशन बस। तो आप जैसे आप इंटीग्रेट करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। अभी जरा ध्यान देना कि डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे जो सबसे पहले तो लीनियर में नहीं है लेकिन लीनियर में कन्वर्ट करी जा सकती है। वो कैसी है, सबको नहीं कन्वर्ट कर सकते आप, ठीक है ना? सो कुछ ही को हम कर सकते हैं कन्वर्ट। कैसे वाले को कन्वर्ट कर पाते हैं अपन, जिसमें यहाँ एफ डैश वाई हो डी वाई बाई डी एक्स प्लस एफ वाई डी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स, है ना? तो एफ वाई को अगर यू मानेंगे तो ये डी यू बाई डी एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड, राइट? सो हम क्या करेंगे, एफ वाई को यू मान लेंगे, ठीक है ना?
एफआई को यू मान के आगे प्रोसीड कर देंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में तैयार हो जाएगा। देखो जैसे आपने यू माना तो क्या हो गया, डी यू बाई डी एक्स प्लस यू पी एक्स इक्वल टू क्यू, समझ में आया ना। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, वाई की जगह यू चल रहा है, जैसे आप पहले वाई पढ़ते थे यहाँ यू चलेगा और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। लेकिन इसमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, हम लोग सारे टाइप्स नहीं पढ़ने वाले। इसमें एक टाइप आएगा बर्नौली इक्वेशन, एक टाइप आएंगे हमारी क्या बर्नौली इक्वेशन, उसको ही पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो बर्नौली इक्वेशन क्या होता है, इस टाइप का होगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू एक्स इंटू वाई रेस टू एन, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू एक्स इंटू वाई रेस टू एन, दिस इज कॉल्ड बर्नौली इक्वेशन, समझ में आया। ये हमारी बर्नौली इक्वेशन होंगे। सो बर्नौली इक्वेशन इसके सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ये वही है जो भी जनरल टाइप, y रेस टू n से दोनों साइड में डिवाइड कर दो, तो क्या होगा, 1 अपॉन y रेस टू n डिवाइड बाय dx, 1 अपॉन y रेस टू n माइनस 1 px इक्वल टू qx, ठीक। अब 1 अपॉन y रेस टू n माइनस 1 को u मान लेंगे, 1 अपॉन y रेस टू n माइनस 1 को u मान लेंगे, ठीक है। 1 अपॉन y रेस टू n माइनस 1 को हम क्या मानेंगे, u मानेंगे, ठीक है। फिर इसको डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में, तो ये आ गया, समझ में आया, दोनों साइड डिफरेंशिएट किया गया है तो ये आ गया। अब 1 अपॉन इसको थोड़ा सा अरेंज किया है तो 1 अपॉन y रेस टू n dy / dx कैन बी रिप्लेस्ड बाय 1 अपॉन 1 माइनस n du / dx। ए किसने माइक खोला है, ठीक है, थोड़ा माइक में खोले इसमें, वरना आपको ही परमिशन मिलने वाले पे। 1 अपॉन y रेस टू n dy / dx इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस n du / dx रिप्लेस कर देंगे, तो 1 क्या हो गया, इक्वेशन 1 इज गेटिंग कन्वर्टेड बाय 1 अपॉन n माइनस 1, ये हाइलाइटर ले लेता हूं मैं, तब ये देखो ज्यादा जल्दी होंगे, यहाँ पे आ गया 1 अपॉन 1 माइनस n du / dx प्लस u, ये u माना था आपने ना, px एक्स इक्वल टू पी एक्स, 1 माइनस n पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, पूरे में 1 माइनस n का मल्टीप्लाई होगा, है ना, यहाँ पे भी 1 माइनस n का मल्टीप्लाई होगा, शायद ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस n और आएगा, ठीक है। सो ये देखो आप, ये px एक्स और 1 माइनस n, ये दोनों क्या हो गए, x के ही फंक्शन हो गए, और ये पूरा का पूरा फिर से x का ही फंक्शन हो गया, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो यहाँ पे जो px होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e रेस टू u का मल्टीपल, है ना, वहां y का मल्टीपल होता है ना, तो ये u का मल्टीपल क्या होगा, 1 माइनस n px विल बी इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, और भाई आगे वैसे प्रोसीड कर देंगे। क्वेश्चन लेता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी तरह। देखो dy by dx plus y by x equal to y cube है, ठीक है। सो अभी तो ये नहीं है यार, अभी ये कुछ भी नहीं है, ये अगर y है तो x का फंक्शन होना चाहिए था, तो नहीं है, ठीक है। तो y cube से जैसे आप डिवाइड करेंगे पूरे में, तो क्या हो जाएगा, 1 upon y cube dy by dx, ये हो जाएगा 1 upon y square 1 by x equal to 1। अब 1 by y square को क्यों मान लो, 1 by y square को u मान लेते हैं, तो कितना हो गया, माइनस टू अपॉन वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। सो डी वाई बाई डी एक्स 1 बाई वाई क्यूब कैन बी रिप्लेस बाय माइनस 1 बाई टू डी यू बाई डी एक्स, ये हमने 1 में रख दिया। सो पूरा पूरा देखो क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हो गया, माइनस 1 बाई टू डी यू बाई डी एक्स, ये देखो कन्वर्जन, ठीक है। और 1 बाई वाई स्क्वायर को u, 1 बाई एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। तो माइनस टू हटाओ यहाँ से, माइनस टू से मल्टीप्लाई कर दिया। सो आप ये देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई, ये बन गई हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे होता नहीं था डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू, ये हो गया पी एक्स, वाई की जगह यू चल रहा है इसमें, तो ये रिड्यूसिबल टू द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। ये reducible to the
डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक मिनट जरा, एक विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन राइट ना। सो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकाल सकते हैं, ई रेस टू जो यू का मल्टीपल है ठीक है, और डी एक्स कर दो तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर। उसका सॉल्यूशन कैसे आएगा, इसका सॉल्यूशन यू इंटू आएगा क्योंकि यू में डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा आपने, क्या आएगा यू इंटू u into 1 by x square equal to minus 2 upon 1 by x square dx है ना। ये तो ना y into integrating factor होता है, q into integrating factor solve कर लेंगे हम लोग इसको यहाँ पे। so क्या मिलेगा अपने को यहाँ से, 2 by x plus c, q equal to 2 x plus c x square है ना। so u क्या था, 1 by y square ठीक है, यहाँ तक सॉल्व हो जाएगा ठीक है। एक मिनट जरा, नेक्स्ट क्या है, यहाँ देखो आप डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई रेस टू एक्स माइनस वाई, ब्रैकेट में क्या है ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू वाई है ठीक है। सो अभी देखें आप e raise to minus y मतलब e raise to y नीचे आया होगा, तो इसको मैंने उधर भेजा e raise to y dy by dx equal to e raise to x minus e raise to y, so e raise to y dy by dx plus e raise to x equal to e raise to 2x ठीक है। ये हो गया पूरा का पूरा। अभी क्या है, e रेस टू वाई को यू मान लो, e रेस टू वाई को यू मान लो, जैसे e रेस टू वाई को यू मानोगे तो क्या हो जाएगा, e रेस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स कैन बी कन्वर्टेड टू डी यू बाई डी एक्स है ना। e रेस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इज कन्वर्टेड टू डी यू बाई डी एक्स। इधर कितना हो गया, फर्स्ट इक्वेशन किसमें का, डी यू बाई डी एक्स प्लस यू ई रेस टू एक्स इक्वल टू ई रेस टू टू एक्स। आप देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया यू में ना, ये पी ये हो गया ई रेस टू एक्स, यू कितना हो गया ई रेस टू टू एक्स। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, ई रेस टू एक्स डी एक्स है ना। सॉल्यूशन क्या होगा, यू डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यू डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उसके बाद आप सॉल्व करें इसको, e raise to x को t मान लें और आगे सॉल्व कर सकते हैं ठीक है। अगला एक और लेता हूं मैं, x माइनस वन डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस वन वाई रेस टू वन बाई थ्री डी एक्स ठीक है। सो ये क्या होगा, इसको डीवाई बाई डी एक्स पहली कोशिश रहती है डीवाई बाई डी एक्स ही बनाने की, उसके बाद देखेंगे डीवाई बाई डी एक्स बनाया, डी एक्स से पूरे को डिवाइड किया तो ये आया। उसके बाद क्या है कि ये यहाँ देखो आप एक्स को इधर भेजा वाई रेस टू एक्स को, इधर एक्स माइनस वन को एक्चुअल में इधर भेजा है, डीवाई बाई डी एक्स को फ्री किया है तो वन अपॉन एक्स माइनस वन ये हो गया और यहाँ से कैंसिल हो गया तो एक्स इंटू वाई रेस टू वन बाई थ्री। अभी क्या है, ये वाई रेस टू वन बाई थ्री आपको तंग कर रहा है ना, तो इसको अगर इधर भेजेंगे तो खाली x बचेगा, x का फंक्शन हो जाएगा, यहाँ x का ही तो चाहिए होता है, या तो खाली x हो या खाली y होगा, dy by dx है तो यहाँ खाली x होना चाहिए। सो y raise to 1 by 3 पूरे में डिवाइड किया तो y raise to 2 by 3 1 upon x minus 1 equal to x ठीक। अब y raise to 2 by 3 को u मान लो, y raise to 2 by 3 को u मान लो, y raise to 2 by 3 को u मान लो, जैसे ही आप u मान लोगे तो आप देखेंगे 1 by 1 upon y raise to 1 by 3 can be converted by 3 by 2 du by dx। सो आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन है ये वाली पूरी,
इसमें कन्वर्ट हो गई 3/2 डी यू बाई डी एक्स वन अपॉन एक्स माइनस वन यू इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये 3/2 की जगह 2/3 से पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये देखो आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है। ये आपका पी एक्स हो गया, ये आपका क्यू एक्स हो गया, ठीक है ना, ये पी एक्स हो गया, ये क्यू एक्स हो गया। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, ई रेस टू 2/3 वन अपॉन एक्स माइनस वन। तो क्या आ गया, x माइनस वन रेस टू 2/3 आ गया। सॉल्यूशन क्या होगा, u डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q, q कितना है आपका 2/3x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x माइनस वन रेस टू 2/3। आफ्टर दैट यू हैव टू इंटीग्रेट, ठीक है, इंटीग्रेशन में आप लोग माहिर हो, इसका आंसर ये आना चाहिए। यहाँ लिखा है y रेस टू 2/3 इक्वल टू 1/4 दिस दिस दिस, ठीक है। अगला एक और ले लेता हूं मैं, क्या रुको अभी 2 मिनट, एक आधे की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं।